नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल में हर गुजरते मैच के साथ पॉइंट टेबल की जो रेस है वो बेहद ही रोमांचक होती जा रही है, और खास करके केएल राहुल की जो लखनऊ सुपर जायंट्स है वो पॉइंट टेबल में दोस्तों किस तरह से सबसे ऊपर आ चुकी है, और कैसे एक मुकाबले को जीतने के बाद ही केएल राहुल की टीम ने कमाल कर दिया है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें केएल राहुल की जो टीम है दोस्तों वो इस समय बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, और हर मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से पॉइंट टेबल में भी केएल राहुल की टीम को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। कल का जो पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मुकाबला खेला गया, इसमें लग नहीं रहा था कि केएल राहुल की टीम किसी भी तरह से इस मैच को जीत पाएगी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहद ही छोटा टारगेट खड़ा किया था, लेकिन उसके बाद भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पूरे 20 रनों से इस मुकाबले को बेहद ही शानदार तरीके से जीत गई, और इस जीत के पीछे केएल राहुल की बेहद ही शानदार कप्तानी बहुत बड़ा कारण रही। तो चलिए बात करते हैं कि पॉइंट टेबल की कैसी स्थिति है और कौन सी टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर है, और लखनऊ सुपर जायंट्स किस नंबर पर है इस समय पॉइंट टेबल में। तो दोस्तों, जो इस समय सबसे ऊपर है पॉइंट टेबल में टीम, वो है गुजरात टाइटंस। जी हां, आपको बता दें गुजरात की टीम इस साल बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, और इसका फल सीधे उनको पॉइंट टेबल में मिल रहा है। गुजरात की टीम ने पूरे 8 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से 7 मुकाबलों में उनको जीत हासिल हुई है। ऐसे में उनके पास पूरे 14 पॉइंट्स हैं और गुजरात की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है, जबकि दूसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल है। राजस्थान ने दोस्तों अभी तक पूरे 8 मुकाबले खेल लिए हैं, और 8 में से 6 मुकाबलों में उनको जीत मिली है। इनके पास 12 पॉइंट हैं, लेकिन इनका जो नेट रन रेट है वो काफ़ी बेहतर है। जबकि तीसरे नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 9 मैच खेल लिए हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स को पूरे 6 मैचों में जीत मिली है, और इस वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है। इनके पास 12 पॉइंट हैं, लेकिन जो इनका नेट रन रेट है वो राजस्थान से थोड़ा सा बुरा है। इसके अलावा चौथे नंबर पर है हैदराबाद की टीम। हैदराबाद ने दोस्तों 8 मैच खेले हैं, और 8 में से 5 मुकाबले जीतकर ये चौथे नंबर पर है 10 पॉइंट के साथ। जबकि पांचवें नंबर पर बैंगलोर है, जिन्होंने 9 मैच खेले हैं और 5 मैच में जीत के साथ 10 पॉइंट के साथ ये पांचवें नंबर पर है। छठे नंबर पर दिल्ली की टीम है, 4 मुकाबले इन्होंने अभी तक जीता है, जबकि पंजाब की टीम 7वें नंबर पर पहुंच गई है 4 मुकाबले जीत करके। वहीं कोलकाता की टीम जो है वो दोस्तों अभी भी 9 मुकाबले खेलकर सिर्फ 3 मुकाबले जीतकर और 8वें नंबर पर है, जबकि चेन्नई की टीम 9वें नंबर पर है, सिर्फ 2 जीत ही चेन्नई की टीम को इस साल मिले हैं। जबकि मुंबई की टीम जो है वो बेहद ही बुरी परफॉर्मेंस कर रही है, और इनको अभी तक एक भी मुकाबले में जीत हासिल नहीं हुई है। तो इस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो हर मुकाबले के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंचती जा रही है। एक मैच और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स जीत जाती है अपना अगला मैच, तो किसी भी तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट टेबल में शायद टॉप पर पहुंच सकती है। तो क्या आपको लगता है कि केएल राहुल की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच पाएगी? कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।